बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया जद्दा से लाइव हूँ आपके साथ। मैं एक छोटी सी वीडियो है जी आपके साथ यहाँ पर मैंने बोला शेयर कर दूँ। मैं हाल ही में उमरा पर गया हुआ था, आपके साथ मैंने वो वीडियो कम्प्लीटली शेयर कर दी थी, उमरा की और गारे हिरा की और जन्नतुल मुअल्ला, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला मैं कम्प्लीटली बना चुका हूँ तफसील के साथ, मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर कर दूँगा। अच्छा, उस टाइम मैं उमरे पर था तो मैं, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं नंगे पैर बाहर निकला था, चप्पल अंदर ही भूल गया था, तसली टाइम खत्म हो चुका था, दोबारा अंदर इंटर नहीं हो सकता था। तो बाहर एक दफ़ा जिधर कबूतर चौक है बाहर जबले उमर वाली साइड पर, वहां तक मैं पैदल गया था। कोई किसी किस्म की नीचे से आप बोले कि इस ज्यादा गर्म जमीन बिल्कुल नहीं थी। और जिस टाइम मैं सुबह गया था उस टाइम यानी कि 9 से 12 बजे की मेरी तस्वीर थी, उस टाइम तो भाई सर्दी फील हो रही थी। मैं आपको साथ में कुछ पिक्चर और कुछ वीडियो भी उस टाइम की दिखा रहा हूँ। अभी आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ जो आज रात की यानी कि रात की ली गई वीडियो है। ये खाना काबा में बारिश हो रही है और बारिश की स्पीड देख ले माशाल्लाह कितनी स्पीड में हो रही है। और इस वीडियो से मैं खुद से ये अंदाज़ा कर रहा था कि ये जो बारिश पड़ रही है ऊपर से जैसा मौसम हो चुका है इस वक्त खाना काबा का, यकीनन बात है जो बंदे अहराम में होंगे उनको अच्छी खासी सर्दी लग रही होगी, और जो बंदे वैसे कपड़ों में होंगे तो आपके लिए या नमाज के लिए वो भी अच्छी खासी सर्दी फील कर रहे होंगे। सऊदी अरेबिया में आप यकीन करें खासकर जद्दा में मैंने पहली दफ़ा इतनी सर्दी देखी है। बाकी जो जैसा कि रियाज है, तबूक वाली साइड है, ताइफ वाली साइड है, इन इलाकों में तो अच्छी खासी सर्दी होती है। बरीदल कसीम में भी मैं रह चुका हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि बर्फ जम जाती है पाइपों में, भाई इतनी सर्दी होती है। लेकिन इन इलाकों में जैसे कि जद्दा और मक्का है, इन इलाकों में इतनी सर्दी मैंने अपने 8-10 साल एक्सपीरियंस में पहले नहीं देखी।